साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत और प्रभास की फिल्में रिलीज से पहले ही आमतौर पर 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती हैं, जिसके बाद फिल्मों के लिए अपना बजट निकालना आसान हो जाता है। लेकिन इस बार ये दोनों बड़े स्टार्स नहीं बल्कि एक दूसरे एक्टर ने ये कारनामा कर दिखाया है। फिल्म के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। विज्ञापन फिल्म निर्माता वी ए श्री कुमार मेनन ओडियान से बतौर फीचर फिल्म मेकर के रूप में शुरुआत करने जा रहे हैं। इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ओडियान रिलीज के पहले ही 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है। इसमें राइट्स और वर्ल्ड वाइड प्री बुकिंग की कमाई शामिल है। आप सबका समर्थन, प्रोत्साहन और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। इससे पहले मोहनलाल की इस भारी भरकम बजट वाली फिल्म की शूटिंग वाराणसी में भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई थीं। फिल्म में मोहनलाल ओडियान मानिकन बने हैं, जो काले जादू में महारत हासिल किए हुए हैं। फिल्म में काले जादू को दिखाने के लिए VFX का प्रयोग किया गया है। खबरों की माने तो फिल्म का बजट बाहुबली से 3 गुना ज्यादा है। ओडियान में मोहनलाल के अलावा प्रकाश राज और मंजू वॉरियर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।